श्री एक्चुअली बहुत अच्छा लगा क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग दिखाया और वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट एंड वी एक्चुअली गॉट द पिक्चर सो आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट. आपको पेंटिंग पसंद आया श्री? खूब खूब भालो खूब भालो खूब भालो. क्वीन खान दादा, पहले तो मुझे लगा पागल हो गए हो क्योंकि आप क्या क्या फेंक रहे थे पेंटिंग पे, ऐसा ऐसा और फूंक रहे थे. हाँ. तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था आप क्या कर रहे हो. लेकिन धीरे धीरे जब पूरा पिक्चर सामने आया तभी हमें पता लगा कि आप पागल नहीं हो रहे हो, आप हमको पागल बना रहे हो. इट्स अ माइंड ब्लोइंग पेंटिंग. अल्पना जी, आप इतनी चुप क्यों हैं? दादा मैं एक बात करूं, रविंद्र मैं ये जब पेंटिंग देख के एक बात बोलना चाहता हूँ सीरियसली है कि रविंद्र तुम्हारा पेंटिंग पर हमें कोई शक नहीं, आज तुम भी जीत सकते हो अनलेस तुम्हारा कुंडली खराब है या तुम्हारा लक नहीं. थैंक यू. इतनी ये शायरी के बाद इन्हें शायरी करने का कोई हक नहीं. वाह. श्रीशांत जी आप भी कोई शायरी वायरी? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. वाह 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 वाह. वेल सेड. मैं तीनों जजेस को थैंक यू करना चाहता हूँ और ये सारे हिंदुस्तान का ऐसा एक शो जिसमें सिर्फ गाना और डांस नहीं है, कोई भी टैलेंट यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं. और पेंटिंग जैसा एक वॉल में हैंगिंग हुआ चीज जिसको इस मंच पर हम किया और सारे हिंदुस्तान को देखा पाया, इसलिए थैंक्स देना चाहता हूँ.